मेष राशि वाले जातकों के लिए साप्ताहिक राशिफल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्च के पहले सप्ताह के लिए साप्ताहिक राशिफल की। ये साप्ताहिक राशिफल आपके लिए आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, तो जिनका चंद्रमा कुंडली में एक नंबर के साथ स्थित है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 1 मार्च की। 1 मार्च को चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेंगे। कन्या राशि में गोचर करते हुए इनका जो गोचर होगा आपके 6th हाउस में होगा। 6th हाउस में होने से आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के लिए आपको कोई डॉक्टरी सलाह लेनी पड़ सकती है। इसके अलावा धन के खर्चे बहुत ज़्यादा इस समय में बढ़ सकते हैं। कोई पुराना रोग है तो वो फिर से उभर सकता है। इस समय विशेष रूप से आप किसी के साथ भी धन का लेन देन करते समय विशेष सावधानी बरतें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके साथ ही आपके कार्यस्थल का जो वातावरण है वो आपको इस समय में ठीक महसूस नहीं होगा। काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती हैं। इस समय आपको शत्रु परेशान कर सकते हैं। अगर कोई कंपटीशन आप दे रहे हैं तो उसमें भी आपके सक्सेस मिलने के जो चांसेस है वो काफ़ी कम रहेंगे। इस समय में मुख्य रूप से आपका जो रूटीन है वो काफ़ी ज़्यादा खराब रहने की चांसेस बनते हैं। तो अपने कार्यस्थल पर किसी के साथ भी विवाद ना करें, सभी के साथ अच्छे संबंध बनाकर चलें। इस समय में कोई विवाद है तो उसको टालने की कोशिश जरूर करें। साथ ही विशेष रूप से धन संबंधी मामलों में कोई भी निर्णय करते समय बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ें। इस समय में आपको किसी प्रॉपर्टी के मामले के लिए कोई विवाद का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा किसी से कोई फालतू में विवाद होगा जिससे आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। तो इस समय में मुख्य रूप से आपके लिए आपको चाहिए कि स्वास्थ्य का ख्याल रखें और आप अपनी जो डाइट है उस पर ध्यान अवश्य दें। इस समय में आपको नींद से जुड़ी हुई समस्याएं रह सकती हैं। अगर विदेश से जुड़े हुए कोई कार्य आप कर रहे हैं तो उसमें अच्छी सफलता आपको देखने को मिल सकती है। तो शुरुआती दिन अच्छा नहीं कहा जा सकता। रूटीन काफ़ी ख़राब रहने से आपका कोई भी काम समय पर नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ आपको इस समय में डरावने सपने आ सकते हैं और काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो शुरुआत का जो दिन है आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं 2 और 3 मार्च की। 2 और 3 मार्च को चंद्रमा आपके लिए तुला राशि में स्थित रहेंगे। तुला राशि में इनका गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। इस समय में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो कोई नई स्टार्टिंग कर सकते हैं, आप नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कोई अच्छी पार्टनरशिप का मौका आपके हाथ में जरूर रहेगा। साथ ही साथ इस समय में आपके पार्टनर से, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो, अच्छी मदद आपको मिल जाएगी। तो चंद्रमा का सप्तम भाव में आना आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा इमोशनल बनाएगा और इस समय में उनकी जो कल्पना शक्ति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसकी वजह से हो सकता है अगर वो कोई भी ऐसे फील्ड में है जहाँ पर वो कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ ही चंद्रमा आपके राशि स्थान पर दृष्टि डालेंगे। राशि स्थान पर दृष्टि डालने से आपको काफ़ी इमोशनल बनाएंगे। हेल्थ आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। आपके बहुत सारे डिसीजन ऐसे रहेंगे जो आप अपने मन से लेंगे, ना कि दिमाग से सोच समझ कर। तो कुछ फैसले हो सकते हैं जिनको आप मन से करें और उन कार्यों को आप मन से करेंगे। साथ ही साथ आपका जो मन है वो कई बार इस समय में परेशान भी रह सकता है, क्योंकि विचारों का जो तूफान हमारे मन में उठता है इमोशनल होने पर वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रहेगा। तो इस समय में अपने मन पर कंट्रोल करने की कोशिश जरूर करेंगे। साथ ही आपका अपने ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रहेगा। पिछले कुछ दिनों से जो हेल्थ की समस्याएं थी वो आपकी दूर होंगी। साथ ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको हर कार्य करने की इच्छा तीव्र होगी, तो आपको एक्साइटमेंट रहेगा। कोई भी कार्य नया अगर शुरू करते हैं तो काफ़ी अच्छे से आप उसको कर पाएंगे। तो ये जो 2 दिन रहने वाले हैं, 2 और 3 तारीख के, ये आपके लिए काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। इस समय में आपको पार्टनरशिप में अच्छा लाभ मिल सकता है। पार्टनरशिप के अलावा किसी और के साथ मिलकर भी आप अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से आपको इस समय में काफ़ी लाभ होने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके लिए 4 और 5 तारीख के। 4 और 5 मार्च को चंद्रमा एक राशि आगे बढ़कर आपके अष्टम भाव में स्थित रहेंगे। अष्टम भाव में इनका गोचर आपके वृश्चिक राशि में होगा। वृश्चिक राशि में इनका गोचर होने से आपके लिए इस समय में मानसिक रूप से परेशानी हो सकती है। इस समय में कोई भी रिसर्च जैसे विषय में या कोई अकल्ट के विषय में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। साथ ही अचानक धन की प्राप्ति होगी। चंद्रमा यहाँ से आपके वाणी स्थान को देखेंगे तो वाणी में मधुरता रहेगी, फैमिली के साथ अच्छे संबंध रहेंगे,
आप पैसे की बचत अच्छी कर पाएंगे। साथ ही इस समय में आपको आपकी फैमिली से सपोर्ट अच्छा मिलेगा। तो कोई भी धन से जुड़ा हुआ कार्य है या कोई भी ऐसा कार्य है प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, वो आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको आपके इन-लॉज से अच्छी मदद मिलेगी। पैतृक संपत्ति में एक बड़ा हिस्सा आपको मिल सकता है। कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में इस समय में घट सकती हैं जिससे आपकी लाइफ काफ़ी बेटर होगी। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है, चंद्रमा क्रूर ग्रहों से दृष्ट है, तो इस समय में आपको एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बनते हैं। साथ ही अचानक कोई अन्य दुर्घटना भी आपके साथ घटित हो सकती है। तो ये समय मानसिक रूप से आपको परेशानी वाला जरूर रहेगा, लेकिन अगर आप अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं तो काफ़ी अच्छा साबित होगा ये समय। इसके बाद हम बात करते हैं आपके लिए 6 और 7 मार्च की। 6 और 7 मार्च को चंद्रमा एक राशि आगे बढ़कर धनु राशि में स्थित रहेंगे। धनु राशि में इनका गोचर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और अच्छा रहेगा। इस समय में कुछ दूर की यात्राएं हो सकती हैं। दूर की यात्राओं से आपको लाभ काफ़ी होगा। इसके अलावा आप फॉरेन ट्रेवल कर सकते हैं या अपने ही कंट्री में कहीं की यात्रा करने जा सकते हैं। इस समय में आपको चाहिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो काफ़ी अच्छी मेहनत करें जिससे आपको इस गोचर का अच्छा लाभ प्राप्त हो। अपने गुरुजनों से आपको अच्छी मदद मिल जाएगी। किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति से आपको अच्छी सलाह मिल जाएगी। साथ ही आप अपने जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे अच्छे संबंध रखेंगे। तो ये समय आपके लिए ट्रेवलिंग का ज़्यादा होगा और जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा होगा। तो इस समय में कोई भी आपका अगर परिणाम आना है, कोई भी एग्जाम आपको देना है, तो उसका रिजल्ट आपके लिए अच्छा रहने वाला है। चंद्रमा यहाँ से आपके तीसरे भाव को देखेंगे। तीसरे भाव पर चंद्रमा की दृष्टि होने से ये समय आपके लिए मेहनत करने के लिए काफ़ी अच्छा होगा। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपको इसमें फल जरूर मिलेगा। अगर मीडिया से जुड़े हुए कोई कार्य कर रहे हैं, राइटिंग से जुड़े हुए कोई भी आप पब्लिकेशन से जुड़े हुए कोई कार्य कर रहे हैं या इंटरनेट के माध्यम से कोई काम कर रहे हैं, तो आपके लिए ये समय काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, अच्छा साबित होगा। आपके जो छोटे भाई बहन हैं, जो पड़ोसी हैं और जो आपके रिश्तेदार हैं, उनसे आपके संबंध काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो ये समय काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस समय में जो भी आपको रिजल्ट प्राप्त होने हैं अच्छे ही मिलने वाले। साथ ही चंद्रमा के तीसरे भाव को देखने से आप इस समय में रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, तो आप उन्हीं कार्यों को करना पसंद करेंगे जिनमें आपकी रुचि हो और जहाँ पर रिस्क कम से कम हो। तो आपको ट्रेवल बहुत ज़्यादा रहेगी इस समय में। हो सकता है आपको ट्रेवल की वजह से थकान भी काफ़ी रहे। तो ये जो समय है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अंतिम दो दिन आपके लिए काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। भाग्य का अच्छा साथ आपको मिलेगा जिससे कोई भी रुका हुआ कार्य आपका पूर्ण होगा। साथ ही साथ आपके पिता से आपको अच्छी मदद मिल जाएगी। तो इस समय में आप अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ कहीं भी भ्रमण पर जा सकते हैं और आपके लिए घूमना फिरना काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मन को एक सुकून मिलेगा, साथ ही साथ आप काफ़ी फ्रेश महसूस करेंगे। तो ये जो वीक है आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, केवल कुछ दिनों को छोड़कर। तो इस वीक में मेष राशि वालों के लिए जो शुभ अंक रहेगा वो रहेगा 5 और आपके लिए शुभ रंग रहेगा सफ़ेद रंग। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।